नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, मैं हूं मनीषा गुप्ता। फोकस हमारा आज का शो यहां पर सोने को लेकर है, क्योंकि यहां पर मूव्स बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिली हैं। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो पिछले 3-4 दिन में हमने $50 से $70 प्रतिदिन की मूव्स यहां पर आते हुए देखी हैं। अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है। अपने ऑल टाइम हाई से सोना थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन लेता हुआ नजर आया है, जो कि इंडियन कंज्यूमर के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर शादियों का सीजन है, खरीदारी अच्छी खासी होने की उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि 48 लाख शादियाँ आने वाले सीजन में यहाँ पर होंगी, तो क्लियरली खरीदारी उस लिहाज से यहाँ पर ज्वेलरी में होगी। माना यह जाता है कि हर शादी करीबन 15% का अपना जो खर्चा है वो ज्वेलरी को लेकर करती है। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि सोने के आगे मूव्स कैसे रह सकते हैं, इंडियन मार्केट इस वॉलेटिलिटी को, करंट प्राइसेस को और आगे जाकर वेडिंग सीजन को किस तरह से देखती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशु दत्वानी, जीजेसी के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल, कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, सबसे पहले प्राइसेस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। ऑल टाइम हाई हमने प्राइसेस आते हुए देखे और करंट लेवल्स की अगर बात की जाए तो इवन एज थोड़ी सी करेक्शन है, लेकिन जिस तरह से रुपी डेप्रिसिएशन है तो इंडियन मार्केट्स में उस तरीके की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली नहीं। अब आगे जाते हुए, क्योंकि अब हम US फेड की मीटिंग, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, चाइना मीटिंग सब कुछ कर चुके हैं, अब यहां से आने वाले हफ्ते के लिए क्या सेंस? गुड इवनिंग मनीषा। आई थिंक मार्केट्स काफी हद तक दो चीजें डिस्काउंट कर रहा है फिलहाल के लिए। वन इज दैट रेट कट का सिलसिला जारी रहेगा। आई थिंक पावेल ने ये मतलब ये क्लैरिटी दिया है कि इलेक्शन रिजल्ट से फेड का रवैया में कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। सो आई थिंक द रेट कट साइकिल ऑन ट्रैक है, नंबर वन। नंबर टू, इंस्टेंटली क्या हुआ है कि जो ट्रंप, जैसा जैसा मैंने पहले भी आपका चैनल में बताया, ट्रंप जनरली इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज के लिए फेमस है। उनका जो पॉलिसी होता है इन्फ्लेशनरी होते हैं, तो उसके वजह से आपको बॉन्ड डील्स में एक जो बढ़त मिला था। एंड बिकॉज रेट कट्स का स्लो डाउन होने की आशंका है, इसके वजह से जो डॉलर में मजबूती मिला था एंड ओवरऑल रिस्की एसेट में एक तेजी मिला था, तो उसके वजह से जो गोल्ड में एक सेल ऑफ दिखा, स्पेशली प्रॉफिट टेकिंग आफ्टर काफी समय के बाद आपको एक डिसेंट प्रॉफिट टेकिंग डाउनसाइड मिला। सो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत समय से हम वेट भी कर रहे थे कि ऐसा कुछ करेक्शन आए, मौका आए कि एंट्री करने के लिए। सो मेरे हिसाब से कंटिन्यू ये जो शॉर्ट टर्म जो वीकनेस है वो शायद कंटिन्यू रहेगा थोड़े फर्दर के लिए। मे बी 2620 डॉलर के आसपास जो है अनदर, मतलब $50-$60 यहाँ पे डाउनसाइड में आपको अच्छे खासे सपोर्ट्स मिलेंगे। सिल्वर में भी आपको डाउनसाइड थोड़ा बहुत मिलेगा, यहाँ से भी 2-3% और है। तो ये दोनों में मुझे लगता है कि ये जो डिप है वो एक लंबी अवधि का इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद रहेगा। एंड हमारा जो टारगेट है 3000 और $3,050 का जो टारगेट है गोल्ड का, वो अभी भी बरकरार है। और सिल्वर का जो टारगेट है अराउंड $42 के आसपास का जो है, वो दोनों भी अभी हम लोग कायम रखा हुआ है एंड उसमें कोई बदलाव नहीं है। करेक्शंस आती रहेंगी, वॉलेटाइल मूव्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने इस हफ्ते में आता हुआ देखा भी है। लेकिन जैसे किशोर काफ़ी क्लियरली आपको बता रहे हैं कि ये डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगले साल के जो टारगेट्स हैं वो अभी भी ऑन द वेरी बुलिश साइड हैं। और जैसे चांदी में हमने बात की है, यहाँ पर और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। $42 का यहाँ पर मतलब है कि लाख के ऊपर बहुत ईजिली चांदी निकलती हुई नजर आएगी, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि यहाँ पर रुपया भी डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन इंडियन मार्केट्स में इसके क्या इम्पैक्ट हैं? दीपक जी, आपसे पहले, बिजनेस करना क्या इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी में आसान हो जाता है या फायदेमंद? मनीषा जी, ये जो वॉलेटिलिटी है कहीं ना कहीं मार्केट को इम्पैक्ट तो करती है, बट जो भी बुलियन डीलर्स रहते हैं हम अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके चलते हैं। रिटेल एंड के ऊपर इस तरह की वॉलेटिलिटी से थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है, बट ओवरऑल अगर सेंटिमेंट स्ट्रांग रहते हैं, सेंटिमेंट्स ऐसे रहते हैं जिसमें आगे जाके अपने को सोने में और चांदी में मजबूती दिखाई देती है, तो ये वॉलेटिलिटी बहुत मेयर इफेक्ट डालती है, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है। दीपक जी, जैसे आपने कहा ज्यादातर बुलियन डीलर्स यहाँ पर हेज्ड रहते हैं, तो जिस तरह के प्राइस मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, सामने किस तरह की मांग निकल के आई? कल हम चांदी के बारे में बात कर रहे थे और जिस तरह से चांदी लाख से 90,000 आई है, ये माना जा रहा था कि फिजिकल में मांग अच्छी आई है और फिजिकल में प्रीमियम आया है चांदी पर इंडियन मार्केट्स में। जिस तरह से सोने के मूव्स आए हैं, इमीडिएट रिएक्शन बाजार से किस तरह का देखने को मिला? मनीषा जी, अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं, देखिए सोने और चांदी दोनों की मांग ड्यूरिंग धनतेरस भी अच्छी रही,
चांदी ने तो पिछले दो टू डिकेड्स के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। 220 टन चांदी का बिजनेस हुआ है ड्यूरिंग धनतेरस एंड दीपावली का जो ये सीजन था इसमें। तो अब चांदी ने अपने आप को और मजबूत किया है कंज्यूमर्स की नजर में, एज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के रूप में भी उन्होंने चांदी ने अपने आप को मजबूत किया है। आगे भी हम ऐसा देखते हैं, ये तेजी तो बनी रहेगी। और जो गोल्ड और सिल्वर के प्रीमियम की आप बात कर रहे हैं, तो जो अभी ये जो गिरावट आई है सिल्वर में और गोल्ड दोनों में, इससे इंटरनेशनल मार्केट में $2 से $2.50 की प्रीमियम गोल्ड के ऊपर और $3 से $4 की प्रीमियम सिल्वर के ऊपर हमें देखने के लिए मिली है। तो गिरावट का फायदा यहाँ पर लोग उठाना चाहते हैं, बाइंग स्ट्रॉन्ग है और उसी वजह से हमने यहाँ पर प्रीमियम्स भी आते हुए देखे हैं। नितिन जी, आपकी क्या सेंस है, जिस तरह के गोल्ड की मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिली है, आपको लगता है धनतेरस दिवाली तो हम देख चुके, वहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट नंबर्स भी आ चुके हैं, लेकिन आगे जाकर सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी शादियाँ हैं नवम्बर दिसंबर एंड बियॉन्ड दैट एज वेल, फेब मार्च तक ये शादियों का सीजन फिर चलता है, किस तरह की मांग करंट लेवल्स पर देखने को मिलेगी, क्या बाइंग पैटर्न्स देखते हैं आप इंडियन मार्केट्स में? मनीषा जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आजकल जिस लेवल के इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और आप क्वेश्चंस देते हैं, और रोज इससे कस्टमर बहुत अवेयर हो चुके हैं। पहले लोग ना फेड जानते थे ना इंटरनेशनल रेट जानते थे, लेकिन आम कस्टमर भी आके हमको समझ देने लग जाता है कि सोने के रेट 1 लाख होने वाले हैं, चांदी के 1.25 लाख होने वाले हैं, फेड का रिजल्ट ही आने वाला है। अभी मुझे सवेरे एक लेमैन कस्टमर आया था, बोले अभी चार आने बढ़ेंगे, फिर क्वार्टर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 70 पैसे से इंटरेस्ट रेट कम होंगे। तो अभी क्या हो गया कि अब लोगों को 80,000 के रेट इसलिए कंफर्टेबली डाइजेस्ट होने लग गए कि वो आप लोगों के चैनल को देख के और समझने लग गया, अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गया है। तो इसलिए किसी भी कस्टमर को मैंने देखा है दिवाली में कोई भी अनकंफर्ट नहीं था कि इस रेट में भी, बल्कि 10,000-50,000 के रेट में बहुत अनकंफर्टेबल थे कस्टमर, लेकिन 80,000 में नहीं है तो डिमांड भी उसकी दिखा रही है। दूसरा, जब गवर्नमेंट बाय कर रही है, ये भी न्यूज सारे न्यूज़पेपर में, सारे चैनल में, सारे सोशल मीडिया में आ रही है कि इंडिया गवर्नमेंट बाय कर रही है, चाइना गवर्नमेंट बाय कर रही है, वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट बाय कर रही है, तो लोगों के समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड में 200 कंट्री में चलने वाली करेंसी है। इसलिए मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है बिजनेस में और कस्टमर डिमांड में है। तीसरी बात, आप देखिए कि रिसाइकल गोल्ड 10% पे आ गया, जितना भी हमारे पास आता था, आज हमारी फिफ्थ जनरेशन काम कर रही, सिक्स जनरेशन ने ज्वाइन कर लिया, इतना सोना बेचा है फैमिली ने, बहुत रिटर्न आता था, रिसाइकल नहीं आ रहा है, एक्सचेंज के लिए नहीं आ रहा है, लोग सिर्फ नया बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब कस्टमर रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिसाइकल नहीं कर रही है, डिमांड बहुत अच्छी है। हाँ, इस समय डिमांड थोड़ी कम होती है क्योंकि दिवाली में सेल हो जाता है, इम्पोर्ट भी काफी हो चुका था, रिकॉर्ड इम्पोर्ट हो चुका है, तो ये महीने 15 दिन में इम्पोर्ट इंडिया में कम हो उसकी वजह से प्राइस में थोड़ा $10-$20-$30 और नीचे आ सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में मुझे लगता है कि रेट भी अच्छे हैं, सेंटीमेंट भी अच्छे और सेल भी अच्छा है। वेल, एब्सोल्युटली, कई शादी वाले जो इवेंट्स वाले हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस में मूवमेंट है, उन्होंने देखा है कि लोग जो हैं, एक तबके के लोग यहाँ पर बाकी चीज़ों पे खर्च चाहे कम करें, लेकिन ज्वेलरी में पूरी तरीके से यहाँ पर खर्च करना चाहते हैं। तो क्लियरली हमने सोने चांदी के प्राइसेस का अपमूव जो है वो वहाँ पर आता हुआ भी देखा है। इशू, आपकी क्या सेंस है, जिस तरह का गोल्ड मूव्स हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, और जैसे नितिन जी कह रहे हैं कि जो रिसाइकल्ड गोल्ड है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर कम है, एक बात तो क्लियर है कि लोग बाजार में अपना सोना और चांदी इन हायर लेवल्स पे बेचने नहीं आ रहे, एक्सचेंज जरूर है क्योंकि अपग्रेड करवाना होता है, पुराना ज्वेलरी है वो एक पैटर्न है जो हम हमेशा बरकरार देते हैं। इन करंट लेवल्स पे आपका क्या सेंस है फ्रेश बाइंग का और एक्सचेंज नंबर्स का? मैं सहमत हूं जो पैनल वाले सारे बोल रहे हैं, इट्स करेक्ट असेसमेंट, बिल्कुल भी प्राइस का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है। इनफैक्ट हमने we've broken our individual records as far as gold sales are concerned, both in monetary terms and even in weight terms, literally. तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी सीजन रही है। Of course, दिवाली के बाद अभी ये 3-4 दिन बहुत शांति है, because I think people are tired and a lot of people also take holidays post Diwali. But I'm quite sure के फिर revive होगा और बहुत सारी शादियां हैं, तो interest बहुत बेकरार है, लगा हुआ, लोगों ने चीजें ऑलरेडी अलग करके रखी हुई है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी रोबस्ट सेल फॉर नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, बहुत ही एक्सपेक्टेशन अच्छी और हाई है। और गोल्ड में भी अच्छा काम हो रहा है और डायमंड ज्वेलरी में भी अच्छा काम हो रहा है। ओके,
तो क्लियरली प्राइस एग्नोस्टिक हैं लोग, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस नहीं है लोगों को एट ऑल प्राइसेस को लेकर, इवन एज भाव यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ा है, लोगों ने अपने रिटर्न्स आते हुए देखे हैं और सोने में हमने यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी बरकरार रखी है। और जैसे इशू हमें कह रहे हैं कि डायमंड ज्वेलरी में भी यहाँ पर सपोर्ट है, बिकॉज डायमंड के प्राइसेस करेक्ट हुए हैं तो बाजार को लगता है कि वो भी यहाँ पर ओन किया जा सकता है। जेंटलमैन हमारे साथ रुकी, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इस सेक्टर की, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे, टिप्स लेना चाहेंगे कि इस बाजार में जिन लोगों को अभी भी खरीदारी करनी है वो क्या लें, किन लेवल्स पे लें, कितने लंबे समय के लिए और क्या खरीदें, इस ब्रेक के बाद। सोने में एक तो बात क्लियर हो चुकी है कि भाव आगे जाकर बुलिश रहेंगे और प्राइसेस और भी चढ़ेंगे, और दूसरी बात यह कि खरीदारी में यहां पर कोई अटकलें नहीं आती हुई नजर आई हैं, यानी कि लोगों ने अभी भी इसे अपनाया है। और सिर्फ फिजिकल में नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें, जहां पर फ्यूचर्स में हमने देखा है वॉल्यूम्स अच्छी हुई हैं, ETF की खरीदारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में अच्छी है, और ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स अब यहां पर गोल्ड फंड्स, फंड ऑफ फंड्स में भी इसके ऊपर अच्छे नंबर्स देखने लगे हैं। किशोर, कैसे देखेंगे आप जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, कितना होना चाहिए सोना आपके पोर्टफोलियो में, कितने लंबे समय के लिए होना चाहिए, किन लेवल्स पे आपको खरीदना चाहिए? मनीषा, आई थिंक जैसा आपने बताया कि ग्लोबली आल्सो ETF का डिमांड काफी बढ़ गया, सो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर भी आई थिंक 4.3 बिलियन के आसपास का इनफ्लोस देखा है, 4.3 बिलियन डॉलर्स। तो आई थिंक ओवरऑल बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम ईयर टू डेट अगर देखेगा तो आई थिंक एंटायर ETF इंक्लूडिंग आउटफ्लोज सो नेट पॉजिटिव इनफ्लोज में आ गया है। सो दैट इज एक्चुअली इट्स अ ग्रेट न्यूज दैट इन्वेस्टमेंट डिमांड सस्टेनेबली अभी 5-7 महीने से कंटिन्यूअसली चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो सेंट्रल बैंक बाइंग है, आई थिंक दैट्स अ बिग सपोर्ट। मेरे हिसाब से अगर गलती से भी अगर 2400-2500 डॉलर भी आ जाता है तो चाइना का जो बाइंग है रिस्टोर हो जाएगा अगेन। सो सेंट्रल बैंक बाइंग अभी कमजोर है बट आउट ऑफ द गेम नहीं है। आई थिंक ये अगर सस्टेनेबल हो जाता है तो दे विल कम बैक। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक बाइंग 2400-2500 डॉलर के ऊपर रुक गया था, स्पेशली चाइना ने एक हॉल्ट लिया है, तो आई थिंक वो एक बार रिस्टोर हो सकता है अगर ये प्राइसेस सस्टेन हो जाएगा। तीसरी बात है कि अगर जो एंटिसिपेटेड है कि अगर US का पॉलिसी डिसीशंस डेफिसिट बढ़ाने वाला रहेंगे, हाई स्पेंडिंग लो टैक्सेस वाला रेजिम रहेगा, तो शायद जो रेट कट का जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो शायद स्लो डाउन हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट कंसर्न एज ऑफ नाउ, वो सबसे ज्यादा बड़ा चिंता ये है कि रेट कट का जो साइकिल स्लो डाउन होगा क्या। मुझे एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है, अगेन बोल नहीं सकते बिकॉज ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, वी कांट रियली कॉमेंट ऑन दैट कि कैसा रहेगा, बट उसके अलावा कोई ज्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीइंग कीपिंग द अदर फैक्टर्स एट द स्टेटस को, आई थिंक इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने वाला है बोथ इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। और इंडियन इन्वेस्टर जो ज्वेलरी पहनना नहीं चाहता पर इसको एक फाइनेंशियल एसेट क्लास के तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, किशोर, उनके लिए क्या राय है आपकी? फाइनेंशियल एसेट की तरफ से अगर देखें तो प्रोबेबली आप जो रिटर्न हम लोग ऑलमोस्ट 33% रिटर्न हम लोग ये साल देखे हैं YTD अगर देखेगा तो, अगर पिछले साल अगेन अनदर 20-22% आप जोड़ लेंगे तो एक्चुअली लास्ट 18-20 मंथ्स में आपको मोर देन 50% का रिटर्न आप देखे हैं। सो इन दैट केस इन्वेस्टर्स को यहाँ से जब भी आप नया व्यू लेना चाहते हैं तो प्रोबेबली वो रिटर्न को आप ध्यान में नहीं रखना चाहिए। जनरली आपको गोल्ड एज एन एसेट क्लास 14-15% के आसपास का डिसेंट रिटर्न्स देगा ऑन एन एवरेज। आप 10 साल का भी एवरेज पकड़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 14-15% CAGR का रिटर्न देता है, विच इज वेरी वेरी क्लोज टू द इक्विटी मार्केट रिटर्न्स आल्सो। सो आपको, बट गोल्ड कम्स विद अ मच लोअर रिस्क, सो आपको इक्विटी मार्केट का सिमिलर रिटर्न्स विद मच लोअर रिस्क आएगा। दैट इज गोल्ड का जो खासियत है। बट अगर आपको रिटर्न्स ही मेन है तो मैं एक्चुअली सिल्वर ज्यादा प्रेफर करूंगा। हमारे हिसाब से सिल्वर शायद 30-35% का अपसाइड बाकी है, गोल्ड में आपको 12-15% अपसाइड आप मान के चल सकते हैं। ऑल राइट, तो सोना आपको जरूर लेना चाहिए लेकिन चांदी आपको पीछे नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ पर इवन बेटर रिटर्न्स देखने को मिल पाएंगे। किशोर, लास्ट टाइम आपने जब सोना लिया था तो किस फॉर्म में लिया था? आई थिंक मैं तो लेता ही रहता हूँ, सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आई थिंक शादी का ये साइड इफेक्ट है।
बट आई थिंक मैंने मतलब बड़ा क्वांटिटी में जो लिया था वो अराउंड $1,600 के आसपास जो लिया था, दैट इज वेयर द मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड आप मान लीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है मेन, तो अभी भी मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली अगर इफ यू आर एन इन्वेस्टर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्चुअली काफी बेहतर विकल्प है, आई थिंक दैट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खास करके। या एज एंड वेन वो ट्रांच आती है, एज ऑफ नाउ वो ट्रांच यहाँ पर मिसिंग है, तो ऑफ कोर्स लोग बहुत सारे तरीके ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 1600 में आपने लिया था सोना, तो क्लियरली आप यहाँ पर 2600 पर जहाँ यहाँ बैठे हैं तो अच्छे खासे गेन्स में हैं। एंड क्लियरली जब आप उस तरह के रिटर्न देखते हैं विदाउट द अप्स एंड डाउन जो हम इक्विटी मार्केट्स में देखते हैं, क्लियरली जिस तरह का एक ट्रस्ट हमने सोने में आता हुआ देखा है वो काफ़ी ऑन द पॉजिटिव साइड है। दीपक जी, ये सवाल आपसे है, और क्योंकि आप बुलियन ट्रेडर हैं, आप सोना चांदी दोनों यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह से हमने इंडियन मार्केट्स खुलता हुआ देखा है, चाहे वो हॉल मार्किंग है, ट्रांसपेरेंसी के तरीके से है, आईपीओज इतने सारे यहां पर आ रहे हैं, बाजार काफी खुल रहा है, मिलेनियल्स को हम वापस इस मार्केट में लौटता हुआ देख रहे हैं, जैसे नितिन जी अभी कह रहे थे कि 6th जनरेशन है, सालों से फैमिली यहां पर सोना बेच रही है, जब इस तरह की मार्केट में जिस तरह के चेंजेस हमने आता हुआ देखे हैं, आपको क्या सेंस नजर आती है, क्या आगे जाकर इन लेवल्स पे भी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंसर्न है कि ठीक है 1000, 1500, 1600 में यहां पर सोना ले लिया, लेकिन अब 2600, 3000 में कितने ही लोग सोना खरीदेंगे, जब इस तरह की कॉन्वर्सेशन आती है तो क्या बोलते हैं आप और क्या सेंस है आपकी? देखिए, हमारे मित्र किशोर जी ने इस बात का जवाब आपको दिया, $1600 पे उन्होंने परचेज किया है और आज $2600 पे भी अगर हमारे फंड हाउसेस के फ्रेंड्स हमारे इंडस्ट्री पे विश्वास जता रहे हैं और वो अभी भी बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्लियरली डिस्प्ले करता है कि आगे भी गोल्ड और सिल्वर दोनों का फ्यूचर काफी ब्राइट है। सिल्वर में अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है कि वो गोल्ड से बेहतर रिटर्न देगी आने वाले समय में। अभी जो गोल्ड और गोल्ड के प्राइसेस जो हैं एक बार कंसोलिडेटेड फेज में जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे मिक्स फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड में थोड़ा सा पुल बैक की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस प्राइस को सस्टेन करने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं। तो जैसे ट्रम्प डॉलर के लिए क्या करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसीज उसको लेके वो आगे कैसे बढ़ते हैं, फेड के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जो अगर वॉर की जो कंडीशंस है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर कम होते हैं तो उसके जो प्रीमियम्स अभी तक मार्केट में देखने के लिए मिले थे वो प्रीमियम्स अभी डिस्काउंट होंगे। तो इन सब फैक्टर के चलते गोल्ड अभी नियर टर्म में ऐसा लग रहा है कि जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहां तक हम एक कंसोलिडेटेड फेज ही देखेंगे, बट ओवरऑल फ्यूचर काफी ब्राइट है और जो प्राइस को सस्टेन करने में हमारे जो फंड हाउसेस के मित्र हैं वो हमें और मदद करेंगे। ऑलराइट नितिन जी, अब आपका क्या सेंस है गोइंग फॉरवर्ड, पिछले अगर 1-2 साल की बात की जाए तो बाजार काफी खुले हैं, नए कॉरपोरेट्स भी इसमें आए हैं, नई जनरेशंस भी आई हैं, नए यहाँ पर इनोवेशंस भी होते हुए हमने देखे हैं, इंडिया गोल्ड अब जिस तरह से रेट कट आया है उसका भी बहुत फायदा देखने को मिला है, तो काफी लोग मानते हैं कि अब दुबई जाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप आगे जाते हुए अब इस इंडस्ट्री को कैसे ओपन होता हुआ और भी देखेंगे? इंडस्ट्री में कंटिन्यूस कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट चल रहा है, चाहे वो होल मार्किंग के रूप में हो, सर्टिफिकेशन ऑफ द डायमंड हो, लेकिन क्या हो रहा है कि काफी सारे जो ज्वेलर्स है ना उन लोगों ने इतनी फैसिलिटी कस्टमर को कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने कस्टमर को 2 फैसिलिटी दे रखी है कि आपके घर में अगर 2 महीने बाद कोई मैरिज है तो आप 50% पैसा देके हमारे पास सोना बुक करिए, अगर सोने के रेट बढ़ जाते हैं तो आपको बुक किए हुए रेट में मिलेगा, और सोने के भाव अगर घट जाते हैं तो घटे हुए रेट में मिलेगा, जिसका हमने नाम दिया है कि चित भी आपकी है पट भी आपकी है। इसमें कस्टमर का भरोसा बहुत लौटा है और कस्टमर को इतना जिनाइन उसके अंदर है। दूसरा, हम लोगों ने एक फैसिलिटी दिया कि अगर आपका कोई विजन है कि मुझे एक नेकलेस लेना है, हमने हमारे खुद के अपने SIP ऑप्शन उनको दिए है कि आप हर महीने आके 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम सोना लीजिए, 11 महीने में आपका जो एवरेज आएगा उस एवरेज रेट से हम आपको गोल्ड देंगे, अगर उसमें भी रेट बढ़ गए तो एवरेज रेट से मिलेगा, और अगर सोने के रेट घट गए तो आपको घटे हुए दाम में मिलेगा। और आज जो मैकेनिज्म आप लोगों ने अवेलेबल करवा के दिया है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, उसमें हम हमारी पूरी पोजीशन को हेज कर लेते हैं, इससे कस्टमर इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया, उसको कोई डर चिंता ही नहीं है, भाव बढ़ गए तो उनके अपर स्लैब फिक्स है और घट गए तो घटे रेट में वो लेने के लिए ऑप्शन की तरह हमारे पास में खड़े है। तो ये जो फैसिलिटी कस्टमर को मिल रही है इसकी वजह से उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, मैं किशोर जी को करेक्ट करना चाहूंगा, इन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया, एक ट्रायल लीजिए, आपके वाइफ को आप 1 किलो का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दीजिए और आधा किलो गोल्ड फिजिकल के ऑर्नामेंट दीजिए, आप देखिए क्या चूज करती है, वो आधा किलो ऑर्नामेंट चूज करेंगी कि एक पेपर जो गले में लगा के घूम नहीं सकती वो चूज करेंगी।
तो आपको अगर सचमुच है बीवी से प्यार तो आप सोने से नहीं कर सकते इनकार, तो आपको ज्वेलरी देना चाहिए, पहन सकती है, कॉन्फिडेंस आता है और वो समाज के अंदर भी बहुत अच्छे से सारे फंक्शन अटेंड करती है, किटी पार्टी से लेकर सब जगह के ऊपर प्राउडली बताती है, और उसको जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अपने कपबोर्ड पे होता है वो किसी और लॉकर में रखने से उसको गेन नहीं होता है। तो फिजिकल गोल्ड बाइंग है, डायमंड बाइंग है, वो ज्यादा प्रिफर्ड है, जिसके अंदर आम के आम गुटली के दाम, शौक भी पूरा हो जाता है, पैसा भी पूरा मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में करिए, और इससे रोजगार भी मिलता है गवर्नमेंट को, इससे वैल्यू एडिशन भी मिलता है, कितनी इंडस्ट्री चलती है, पैकिंग मटेरियल से लेके डिस्प्ले से लेके कुरियर से लेके सब। और आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं केवल आपको अर्निंग होती है, यहाँ तो आपके दुनिया भर के शौक पूरे होते हैं, सोशल आप बहुत स्ट्रांग होते हैं। नितिन जी आपको किशोर जी इस शो के बाद फोन करने वाले हैं। नितिन जी आपका 20% भारी पड़ता है। सर किशोर अब आपसे 24 कैरेट ज्वेलरी भी बेचता हूँ अकोला में, मुझे गवर्नमेंट ने भी चैलेंज किया था कि 24 कैरेट ज्वेलरी आती नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शंघाई टूर में गया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, 95% ज्वेलरी 999 प्योरिटी की होती है, और हम लोगों के यहाँ तो चलन है 24 कैरेट ज्वेलरी का। आई एम श्योर किशोर आपको फोन करने वाले हैं नितिन जी ये समझने के लिए कि बीवी को कैसे ज्यादा खुश रखा जाए और कैसे ये इन्वेस्टमेंट हो क्लियरली। लेकिन एक फाइनल कमेंट यहाँ पर इशू आपकी तरफ से, और आपको क्या लगता है कि आगे जाने वाला बाजार, या आपकी अपनी बात करें तो क्या यहाँ पर और लॉन्चेस हैं? जी तो मैं दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें बोलना चाहूंगा। दिस टाइम इन दिवाली अवर कॉइन सेल्स वर डाउन बाय 80% जी, लिटरली मतलब हम लोग 20% पे आ गए, एंड ज्वेलरी सेल्स वाज सो मच मोर। तो और यू नो सी वी आर इन प्लेस इन बैंड्रा जहां पर बहुत ही हाई एंड कस्टमर्स, वी डील विद अ लॉट ऑफ मूवी स्टार्स, यू नो वी आर नॉट इन अ ट्रेडिशनल एरिया लाइक घाटकोपर और बोरीवली, और इन स्पाइट ऑफ दैट वी सॉ वेरी गुड अपटेक इन गोल्ड विच वॉज फिनोमिनल दिस ईयर, ऑनेस्टली इट वॉज बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन। अच्छा दूसरी बात जो हमने देखी इन अवर केस वॉज नंबर ऑफ पीपल वॉज लेस, सो अवर फुटफॉल्स वॉज लेस, स्पेशली धनतेरस के दिन तो हम लोग पूरा मॉनिटर करते हैं, फुटफॉल्स वर लेस बट सेल्स वर मोर, देयर वर बिगर टिकट आइटम्स दैट वर सेलिंग, यू नो नॉट सेलिंग स्मॉल स्मॉल आइटम्स, वी वर एक्चुअली सेलिंग बिगर यू नो वॉल्यूम, बिगर वैल्यू एंड बिगर वेट आइटम्स। तो दिस इटसेल्फ शोज वेरी क्लियरली के इवन यू नो बायर्स इन बैंड्रा विच इज यू नो वी आर एक्सपोज्ड, दीस गाइस आर ऑल एक्सपोज्ड टू वेरी हाई एंड travel overseas and things like that. Aur wo log bhi, you know, their confidence in gold has come back. Absolutely. So it's a sign of things to come, I believe. And very bullish about the next 2-3 months. ऑल राइट, यानी कि लोग यहाँ पर वॉक इन्स भी कर रहे हैं, फैशन ज्वेलरी भी ले रहे हैं और बिगर चंक्स भी यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं। तो ज्वेलरी की बात की जाए या इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, दोनों ही तरीके से यहाँ पर अब सोना लोग यहाँ पर ओन करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सोने के बारे में बात करने के लिए, व्यूज़ देने के लिए, प्राइसिस पर भी यहाँ पर एक चर्चा करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, आप बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर।